बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़ी ईद स्पेशल मीठा। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अम्मी की रेसिपी। अम्मी बना रही है मुतजन जर्दा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, और अम्मी के हाथ का मीठा तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मुतजन बनाने के लिए चावल लिए 2.5 किलो सेला, उसको वॉश करके भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। चावलों के लिए पानी बॉयल करने रख दिया था और जो हमने चावल भिगोए थे वो इसमें शामिल कर दिए। और अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और अब हम चावलों को फुल कुक कर लेंगे, और कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान लेंगे। चावल बॉयल हो गए थे तो चावल छान लिए, और अब यहाँ जर्दा बनाने की तैयारी कर रही है। तो उसके लिए 1/2 किलो घी लिया है। घी गर्म हो गया तो यहाँ मैंने 6-7 इलायची शामिल कर दी है। और अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी हमने लिए 2.5 किलो, और चावल जितने होंगे इतनी हम चीनी शामिल करेंगे। अगर आप कम बना रहे हैं तो चावलों के हिसाब से चीनी डलेगी। अब चीनी को मिक्स कर लेंगे और इसका शीरा बना लेंगे, और 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। शीरा हमको नॉर्मल बनाना है, इसमें तार वाला शीरा नहीं बनेगा, और इतना पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए और शीरा पक जाए। शीरा तैयार हो गया, और शीरा इस तरीके का बना रहा है, और अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल शीरे में शामिल कर दिए और इसको मिक्स कर लेंगे, और इतनी देर पकाएंगे कि शीरा खुश्क हो जाए, और इसको ढकना नहीं है। चावलों का पानी खुश्क हो गया है तो अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे। तो सबसे पहले रेड कलर डाला है, और ऑरेंज कलर डाला है, एक साइड पे ग्रीन कलर डालेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे पेठा। पेठा लिया था 1 किलो। अशरफिया ऐड करेंगे, और अशरफिया ली थी 1 पाव। अब इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे, और गुलाब जामुन भी 1 किलो लिए थे।
और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए धब पे रख देंगे और खोया बाद में शामिल करेंगे। और अब इसमें खोया शामिल करेंगे और खोया भी 1 किलो लिया है और बादाम पिस्ते शामिल करेंगे आधा आधा पाव। उसको गर्म पानी में भिगो के उसका छिलका उतार दिया था और वो क्लिप मिक्स हो गया है। मज़ेदार सा मुतरजन तैयार है और अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो आज मैंने आपके साथ मेरी अम्मी की रेसिपी शेयर करी है और आप बड़ी ईद पे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है रेसिपी। पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।